मुख्य अतिथि उद्घाटन करता है इस समय अनिल भाई हमारे बीच होने चाहिए अनिल भाई के लिए और मुख्य अतिथि जो हमारे बीच है और रोशन भाई के लिए और जितने भी हमारे दूर दराज से मेहमान आए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए क्योंकि इस समय जबरदस्त मुकाबला है इस चितरागढ़ की सरजमीन का उद्घाटन हुआ है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ तो इस समय सबसे परिचय ले रहे हैं हमारे भाई तालियां बजाते रहिए भाई आप लोग तालियां बजाते रहिए तालियां मत रुकिए जब तक चलता रहे काम तो तालियों की गड़गड़ाहट बननी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट जारी है और रूबरू हो रहे हैं नाम से परिचय ले रहे हैं इस समय अनिल भाई के साथ सभी खिलाड़ी तो चलिए इसी के साथ हमारे अनिल भाई और रोशन भाई ने सबसे मुलाकात की और नाम से रूबरू हुए दोनों टीमों से और इसी के साथ खेल प्रारंभ होने जा रहा है चलिए ठीक है चलिए रोशन सिंह भैया एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस समय रोशन सिंह बड़े भाई अनिल सिंह जी का माल्यार्पण करके सम्मान करते हुए अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तौसीफ जो की आयोजक है इस टूर्नामेंट के आशिफ भाई का सम्मान करते हुए रोशन सिंह अब तौसीफ यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए बड़े भाई अनिल सिंह जी का स्वागत करते हुए और इधर आशिफ भाई भी माल्यार्पण करके तौसीफ और रोशन को बोलो साउंड लाइन का रोशन को भी माल्यार्पण करके सम्मान करते हुए भैया रोशन सिंह ताली बजाओ यार जोर ताली आप लोगों की बजनी चाहिए ऐसा लग रहा है जैसे खा करके नहीं चले थे घर से जोरदार तालियां बजनी चाहिए बिल्कुल जर्सी पहन पर यादव जी गए हैं इस समय रेड पर और छह खिलाड़ियों के साथ डिफेंड कर रही है टीम इस समय रानीगंज और प्रतापगढ़ स्टेडियम के बीच मैच रानीगंज और प्रतापगढ़ स्टेडियम बोनस पॉइंट का इशारा आता हुआ इसी बोनस पॉइंट के सहारे से खाता खुला प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों का इस समय तो दोनों ही टीम इस समय सूझबूझ से खेल रही है शुरुआती क्षण है और एक छोटे कद के खिलाड़ी गए हैं रेड पर और रनिंग किक लगाई जा रही है बराबर हौसले की कोई कमी नहीं है इसमें मुकाबला एक जबरदस्त है तो छह खिलाड़ियों के साथ डिफेंड कर रही है बोनस अवेलेबल था लेकिन इधर टच पॉइंट का इशारा आता हुआ एक पॉइंट और तो रेडर इस समय रानीगंज का रेड करता हुआ लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मोमेंट अच्छी है लेकिन इस समय देखना है और सामने से ब्लॉक किया गया है और कोई मौका नहीं था मिड लाइन को टच करने के लिए अब जाना पड़ेगा बाहर बेंच पर तो जी है इस समय तो फिर वही यादव जी 23 नंबर की जर्सी में रेड कर रहे हैं और क्या खूबसूरत जर्सी का रंग इनका इस समय झलक रहा है शीतलागंज की सरजमी पर तो इस समय एक पॉइंट का इशारा आता हुआ तो धीरे धीरे टीम और इस समय डबल थाई होल्ड करने का प्रयास था लेकिन असफल रहे रेड सफलता एक मिली है और इस सफलता के साथ खाता खुला जाकर रानीगंज के खिलाड़ियों का तो इस समय खाता खोल चुकी है रानीगंज की टीम और रेडर इस समय रेड करता हुआ चार खिलाड़ियों के साथ डिफेंड कर रही है टीम रनिंग टच का प्रयास इस रनिंग टच में कामयाबी मिली है और कैचर जाएंगे बेंच पर निश्चित तौर पर एक चुनौती कहीं ना कहीं है रानीगंज के खिलाड़ियों को लेकिन एक सीखने का मौका जरूर मिलेगा एक पेशेवर अकेडमी की टीम है और विजय पराजय तो अपनी जगह है लेकिन एक सीख मिलेगी खिलाड़ियों को तो मात्र दो खिलाड़ी है कोर्ट पर शोभित टेकल आन है इस समय टेकल किया जाता है तो दो पॉइंट निश्चित तौर पर मिलेगा और अगर ऑल आउट करती है टीम तो कहीं ना कहीं तो टच पॉइंट का इशारा आता हुआ इसी के साथ
एक तनहा खिलाड़ी, एक नन्हे मुन्ने खिलाड़ी गए हैं रेड पर, एक अपने आप को और अपने टीम को बचाते हैं कि ऑल आउट होती है टीम, आने वाला समय बताएगा। और टच करके जाना चाहते थे लेकिन सपोर्ट आया राइट इनके, और सात खिलाड़ियों के साथ डिफेंड कर रही है टीम इस समय रानीगंज। बोनस अवेलेबल है और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अपने पैरों को जबरदस्त किक लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिले। यम पीरियड जाती हुई एक बार फिर रेड पर गए हैं रानीगंज के खिलाड़ी। तो दर्शकों में शांति का माहौल बना हुआ है, क्योंकि शांति का माहौल बने ना क्यों ना बने, क्योंकि एक तरफा जब मुकाबला होता है तो हर टाइम का लास्ट रेड है, तो एक तरफा मुकाबला जहां देखने को मिलता है तो दर्शकों में शांति का माहौल होता है। जहां कसम दिलचस्प मुकाबला तब होता है जब पॉइंट बराबर हो तो दर्शकों में एक उत्साह और जोश होती है, लेकिन इस समय एक तरफा मुकाबला चल रहा है इस सिद्धगंज की सरजमी पर। तो दिव्यांश इस समय रेड पर थे और हाफ टाइम समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 1-11। रेड आर पूरा करता हुआ क्या यहाँ पॉइंट अर्जित कर पाएंगे युवा जो रानीगंज है, वो अभी एक पॉइंट यानी हाफ टाइम में बिल्कुल यहाँ फिर जुनैद का जज्बा अकेले के बल पे थामा और सीधे बेंच का रास्ता दिखाया कि आप जाइए भैया रेस्ट पे रहिएगा। रेड़ा फिर भी अच्छे प्रतापगढ़ यानी सेकंड राउंड के जो मैच होंगे वो हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर आपको देखने को मिलेगा। रेड़ा रेड करता हुआ पीवीएच क्या यहाँ पॉइंट लेकर जाएगा या जी हाँ रनिंग हैंड टच करने का प्रयास और सफल भी। वाह रेडर तैयार रेड करता हुआ छोटे करके हैं और सचिन को सफाया किया है, यानी जो राइट कॉर्नर है सचिन वहां खड़े थे उनको बेंच पे बैठाया है। रेडर एक से दो पॉइंट अर्जित किया है यानी अब दो पॉइंट हो चुके हैं रानीगंज के। रेडर रेड करता हुआ क्या ये रनिंग पॉइंट लेकर जाएंगे, जी हाँ प्रयास तो अच्छा है लेकिन अभी दूर, लेकिन भरपूर प्रयास करता हुआ रेडार और जी हाँ जाते जाते गिनते पॉइंट होंगे सुपर रेड। वाह मैच बिल्कुल उनके हाथों में है इसलिए ये एडवांस भी टैकल अजमा रहे हैं लेकिन जाते जाते दो पॉइंट भी देकर जा रहे हैं जुने। रेडार रेड करता हुआ पांच प्लेयरों के साथ डिफेंस कर रही है रानीगंज, क्या पटकते हैं क्या खेलते हैं वो दिखाते हैं अपना गेम, ये देखने वाली बात होगी रानीगंज। अब तो इनको खेलना चाहिए डिफेंस भी अच्छा करना चाहिए, मौका है आप सीखोगे वैसे मैच में काफी पीछे चल रहे हो आपको रेड पॉइंट अर्जित करने होंगे। सचिन वही आ चुके हैं रिवाइवों के अंदर राइट कॉर्नर पे पांच लास्ट एक मिनट है शायद बराबर जो टाइम कीपर है हमको अवगत करा रहे हैं एमडी रेड रेडर रेड करता हुआ शायद मनसा बना लिया है पटकने का सलमान ने उसको लिया और सीधे समाप्त। और कौन सा ही स्टेडियम एकेडमी पीबीएच यानी प्रतापगढ़ इस मैच को जीत लिया।